Welcome students to MK Martin School online classes. Today we are going to continue about continue possessive pronouns. हम इसमें possessive pronoun का आगे continue करेंगे and also we will study about demonstrative pronoun. Pronoun का third type demonstrative pronoun के बारे में भी पढ़ेंगे. इससे पहले हम लोगों ने possessive pronouns के बारे में पढ़े थे. Possessive pronoun क्या होते हैं? आज हम पढ़ेंगे. मैंने वीडियो के लास्ट में बोला था possessive pronouns अलग होते हैं और possessive adjectives अलग होते हैं. हर जगह जो आपका mine है, ठीक है, her, hers, their, ये जो है, ये हर जगह आपका possessive pronoun नहीं होता है, ये adjective में होते हैं. अब adjectives किन cases में होते हैं ये हम आज देखेंगे. तो सबसे पहले तो हम इसका example देखते हैं. First year my hair is brown. मेरे बाल brown है. तो ये my क्या हो गया आपका? इसमें adjective है. इसमें आपका my pronoun नहीं है. ठीक है. अब adjective क्या होता है? जो कि आपको noun की quality बताए. ठीक है. आपको जिसे हम हिंदी में विशेषण कहेंगे कि noun की आपको विशेषता बताए. ठीक है. इसमें आपको hair की विशेषता बताए. Hair किसका? मेरा. ठीक है. ये बताया जा रहा है. किसका? मेरा. मेरा बाल brown है. उसके बाद दूसरा देखते हैं. I went to their house to stay. मैं उनके घर में रहने के लिए गया. किनके घर में? किसका घर? Their. उनके. किसके बाल? मेरे. किनका घर? उनका. ठीक है. थर्ड एग्जांपल देखते हैं. The woman scolded her son. वुमेन ने, औरत ने, अपने महिला ने अपने बच्चे को डांटा. उसके बच्चे को डांटा. किसके बच्चे को डांटा? किसको डांटा? उसके बेटे को. ठीक है. इसमें आप एक चीज कॉमन देखोगे कि जो ये क्वेश्चन बन रहे हैं ये उससे से क्वेश्चन बन रहे हैं. जब हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है, अगर मैं इतना ही कहूँ हेयर इज ब्राउन, ब्राउन बाल है, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा किसके? है ना. वुमेन ने डांटा. किसको? डॉग ने अपनी टेल, डैश ने अपनी टेल हिलाई. किसने? किसको? किसने? ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव करता है. ठीक है. आंसर हुज, हुज के जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव करता है. जैसे आई वेंट टू देयर हाउस टू स्टे, मैं उनके घर में रहने गया. तो किनके घर में रहने गया? उनके. तो ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया. ठीक है. उसके बाद बिफोर और नाउन, यूज बिफोर एंड नाउन. ठीक है. ये नाउन से पहले यूज में आता है. आपके सेंटेंस में देखो, नाउन हेयर है, हेयर से पहले आया. हाउस नाउन है, हाउस से पहले आया. ठीक है. उसके बाद में सन नाउन है, ये उससे पहले आया. तो ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है ये हर बार जो होते हैं ये किसी नाउन से पहले आते हैं. इनकी सबसे पहली पहचान यही है कि ये लोग नाउन से पहले आएंगे. पजेसिव प्रोनाउन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें ही नाउन से पहले आते हैं. और दूसरा, ये हुज का आंसर करते हैं. जो क्वेश्चन हम पूछते हैं किसका, किस में, वो उसका आंसर कौन करता है? पजेसिव एडजेक्टिव करता है. उसके बाद में नेक्स्ट हम इसके थर्ड टाइप के प्रोनाउन का बात करेंगे, जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. हमारे दो प्रोनाउन्स हो चुके हैं, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पजेसिव प्रोनाउन. थर्ड है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का क्या होता है? मतलब कि प्रोनाउन्स पॉइंटिंग आउट द ऑब्जेक्ट व्हिच दे रिफर. वह प्रोनाउन, वह सरनाम जो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको पॉइंट कर रहा हो. ठीक है. एग्जांपल में इसके क्या है? दिस, दैट, दीज, दोस. यह, वह, प्लूरल के लिए भी यह, वह, दीज, दोस. तो ये प्रोनाउंस में, इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये चार एग्जांपल है. आपके ही चार आते हैं. दिस इज अ फैन, यह फैन है. तो ये किसको रिफर करता है? दिस फैन को रिफर कर रहा है, पंखे को रिफर कर रहा है. तो ये दिस यहाँ पे क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया. दीज, ठीक है, दीज आर एप्पल्स. तो ये दीज जो है ये किसको रिफर कर रहा है? एप्पल्स को. किसके बारे में बता रहा है? एप्पल्स को. तो ये दीज जो है इधर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया. दैट का एग्जाम्पल लेते हैं. दैट इज अ कार, वह कार है. तो इधर दैट जो है वो कार को रिफर कर रहा है, कार के लिए लगाया गया है. तो यहाँ पे दैट जो है आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया. नेक्स्ट है दोस. ठीक है, दोस भी लगा दो. दोस आर ट्रीज, वह पेड़ है. तो यहाँ पे दोस किसके लिए? पेड़ों के लिए लगा. ठीक है. इसमें हमें ये पता चलता है कि बात जिस किसके बारे में कर रहे हैं. अगर ये दिस, दैट, दिस, दोस लग रहा है तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमें इसके अंदर वो पता चलता है. इसे
ये पजेसिव प्रोनाउन और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद हम बात करेंगे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन की। ठीक है, एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम दोनों साथ में पढ़ेंगे क्योंकि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज